आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरी प्रार्थना और दुआ में से ही कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी का प्यार मेरे साथ है। सब कुछ बहुत अच्छा है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा। तो क्या हुआ था ना, इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, मतलब आँख में प्रॉब्लम था, तो इस वजह से डॉक्टर के पास आ गए थे इसको लेके। मैं प्रिया और इनके तीनों लोग आए थे। मुझे थ्रेडिंग भी बनवाना था, कुछ सामान भी, कुछ चीज़ें भी लेना था, तो इसी वजह से आ गए थे। और मंडे का ये ब्लॉग है जो मंगलवार को मैं अपलोड करूँगी। और तो यहाँ पे आ गए थे, तो हम लोग को याद नहीं था कि आज मंडे है और मार्केट भी लगा था। तो ये रहा हम लोग यहाँ का मार्केट, और सब्जी वब्जी बेच रहे थे सब, मतलब सब्जी की दुकान लगी हुई थी यहाँ पे वहाँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था, सब्जियाँ देख के ना बस मन करता बस टूट पड़ो या फ्रूट्स देख के। तो यही सामने ही थ्रेडिंग बनवाने जाना था, तो उसके बाबू की आँख में ना बहुत मतलब खरोंच आ गया है, थ्रेड पड़ गई है, तो उसी को बनवा रहे थे। और यहाँ पे बैठ के ना एक खेल रहा था, और मेडिकल स्टोर पे बहुत भीड़ थी, तो हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे। और ये देखिए यहाँ पे कुर्सी पे बैठा हुआ है, और इसकी बुआ इसको खिला रही है, देखिए। तो ये बैठा था, आराम से बैठा था, फिर इसको सीधा कर दिया। मालिका सीधा कर दे, कैसे बैठा है, तो सीधा कर रही थी। तो बस हम लोग इसीलिए तैयारी वारी कर रहे थे, इसीलिए मार्केट गए थे, कुछ सामान भी लेना था। और फिर आए मार्केट से, लौट के रही मैं। तो ये खेल रहा था ना अपने, ये इसको ये वाला ड्रेस पहना देते हैं ना, तो इसको खींचने लगता है बार बार, बस इसी को खींचता है। तो बस ये खींच रहा था और बार बार पकड़ रहा था। तो फिर हम लोग वहाँ से दवा लिए, फिर गए थ्रेडिंग बनवाने, फिर वहाँ पे कुछ सामान वहाँ लिए, तो फिर उधर से आ गए वापस हम लोग। और ये बार बार ना मतलब खेल ही रहा था, और बहुत क्या है ना कि इसके आँख में प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने सोचा और कुछ दवा भी देंगे खाने वाने के लिए। तो उन्होंने सिर्फ वो दिया है, ड्रॉप दिया है लगाने के लिए, तो मैंने ड्रॉप लिया और 3-4 बार डालने के लिए बोला है दिन में, तो ठीक हो जाएगी इसकी आँख। तो ये खेल भी रहा था वहाँ पर, ये आंटी जी उसको ऐसे ऐसे कर रही थी, और फिर खेल रहा था। और फिर वहाँ से आए हम लोग, रात हो गई काफ़ी, मतलब रात नहीं शाम ही था। और फिर आए तो हम लोग, लाइट चली गई थी, कहीं से पावर कट हो गया था। तो फिर उसके बाद जो है, जब पावर कट हो गया था, तो हम लोग ऊपर मतलब खाना ना बना के ऊपर चले गए सीधा। फिर आई लाइट रात में 10 बजे शाम को, मतलब रात में 10 बजे आई लाइट। तो मुझे कल कहीं जाना है, कल देखिए टिकट भी करवानी पड़ेगी, तो मैंने अपने भाई से बोल दिया है, तो भाई ही करेगा टिकट। और तो यहाँ पर रही मैं, अजीब से बिल्कुल लग रही हूँ। तो अब बाहर ससुराल है, तो ये देखिए पार्लर, तो यहाँ से मैं आ गई थी घर पे, तो ये वीडियो शूट कर रही थी। तुम्हारा गाना भी इसी के साथ जाएगा बेटा। तो अभी अभी हम लोग गए थे मार्केट, और मार्केट से आए हैं, तो अभी थोड़ा सा लाइट था, और लाइट थी उसके बाद तुरंत मतलब चली गई है, सब जगह की चली गई है लाइट। तो अभी बज रहे हैं 19:26, और मैं अभी खाना बनाने जा रही। तो क्या कहते हैं ना, फिर पिंकी खाना बनाने लगी। तो अभी शाम है, तो अभी शाम को मतलब बेसिकली इधर क्या है, मतलब हम लोग का नहीं है, मतलब कि दाल चावल बनेगा, रोटी बनेगी, और सब्ज़ी रखी है थोड़ी सी, तो वही सब लोग खा लेंगे। और शाम है, तो मैं हूँ यहाँ पे, ये देखिए मेरा हाथ, और ये देखिए मेरा हाथ, ये देखिए मेरा हाथ, है ना, अच्छा लगता है हरकतें करना। तो बाहर थोड़ा सा गर्मी था अभी रूम में, तो इसलिए पापा बोले कि ऊपर लेके चले जाओ छत पे, तो मैं इसको लेके आ गई हूँ छत पे, चिल्ला रहा होगा, इसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप लोग को। और ये रही मैं, मेरा फेस दिखेगा नहीं आप लोग को, ये रही, तो इसीलिए बैक करके बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ वीडियो। हाँ, थोड़ा सा गई थी मार्केट, क्योंकि आज मुझे जाना था कहीं। मैंने आप लोग से कह रही हूँ, 1 महीने से लगभग हो गया कि मेरा बैग पैक हो रखा है, मुझे जाना है कहीं, जाना है, लेकिन जा नहीं पा रही हूँ, बहुत दिन हो गया। आज भी तैयारी था, बस ट्रेन की टिकट होने ही वाली थी, बस फिर क्या हुआ ना कि
कुछ ऐसे ही अचानक से घर में तबीयत ठीक नहीं है, मेरा भी क्या मेरा ठीक है और सिस्टर इन लॉ का नहीं ठीक है तबीयत, और मेरे बेटे का भी आँख में दिक्कत है। तो मैंने कहा आज रुक जाती हूँ, देख लेती हूँ थोड़ा सा सही हो जाए तो फिर जाते हैं, और जाएंगे अभी, देखिए कल जाते हैं फिर परसों चले जाएंगे यहाँ से। बेबी मेरा इतना चिल्ला रहा है ना कि पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। और मैंने बोला पिंकी से कि मैं आ जाऊँ बनवाने के लिए, तो कह रही नहीं थोड़ा सा तो बनाना है, आप वहीं रहिए ऊपर रहिए। और मैंने कहा प्रिया से कि तुम चले आओ ऊपर तो फिर हम बना लेते हैं अभी खाना। तो बस यही सब है, और अभी मार्केट से क्या क्या लेके आए हैं आपको दिखाएंगे, क्या क्या लेके आए हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं लिया मैंने, एक चूड़ी ली, सावन लग गया है तो इसलिए मैंने हरी चूड़ियाँ ली। उन्होंने मतलब कि बेचने वाले को क्या है बहुत सारा मतलब दिखा रही थी, मुझे तो सिंपल चूड़ियाँ पसंद है तो मैंने सिंपल ही लिया चूड़ी, और ग्रीन चूड़ियाँ ली, और एक क्लचर लिया है मैंने, और एक मतलब बिंदी ली है, और क्या लिया है मैंने, नील कलर लिया है, यही सब लिया था, और दो कान की बालियाँ प्रिया पिंकी ने लिया है अपने लिए, और बस मैंने कुछ नहीं लिया है, बस इतना ही सामान लिया था, थ्रेडिंग बनवाई बस, और कुछ नहीं करवाया, थ्रेडिंग बनवाई फ्रीड करवाया, तो बस यही सब करवाया और फिर वहाँ से वापस आ गए। तो लगभग और इसकी दवा लेनी थी, तो दवा लेना बहुत ज़रूरी था, तो इसकी दवा लेनी थी, आँख में बहुत दिक्कत बढ़ गया था तो दवा लिया मैंने इसका, और दवा ले के तब इसकी मतलब प्रिया की भी थोड़ी तबीयत नहीं थी कि उसकी भी दवा और इसकी भी दवा लेके हम लोग फिर थ्रेडिंग बनवाने गए, फिर उधर से वापस आ गए। अभी देखिए कब लाइट आता है, अभी कटी हुई है, लाइट आएगी तो फिर नीचे जाएंगे। अभी बीबी के लिए को कर थोड़ा सा छत पे ठीक है मौसम, बस ये होता है कि रात में ना मच्छर काटने लगता है इसलिए सोने लायक नहीं रहता है।